नमस्कार, मुजफ्फरपुर वाव देख रहे हैं। मेरा नाम है आदित्यराज। देखिए, मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा इन दिनों एक विशेष पहल चलाई जा रही है, जिसमें वैसे बच्चे जो एक दिन पुलिस को देखकर भाग जाया करते थे, अब जो है वही पुलिस वाले अंकल के पाठशाला में अब पढ़ने आते हैं। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नसीमा जी है, जिन्होंने एक विशेष पहल उनके सोच से और मुजफ्फरपुर पुलिस के पहल से जो है यह पाठशाला शुरू हुआ है। क्या कहेंगे, कैसे यह ख्याल आया आप? देखिए, शुरू से हम लोगों को लग रहा था कि हमारे इलाके में ऐसा कोई सार्वजनिक जगह नहीं है जहाँ पे किसी भी तरह की गतिविधि की जाए। व्यक्तिगत स्तर पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने खर्च पे किया, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं होता है। तो हमारे मन में ये था कि कोई ऐसी जगह जो सार्वजनिक हो और प्रशासन के साथ मिल के किया जाए। तो कोई रहे या ना रहे, प्रशासन तो काम करेगा ही ना, और ये गतिविधि चलेगी ही। तो इस इलाके में जिस तरह से बच्चों को लेकर एक अवधारणा काम करती है कि सेक्स वर्कर के बच्चे नहीं होते हैं या वो ट्रैफिकिंग वाला मामला ज़्यादा आता है, लेकिन चूंकि मैं भी यहाँ पली बड़ी हूँ तो मुझे पता है कि जो इस इलाके में जो बच्चे हैं उनकी जो चुनौतियाँ हैं वो कितनी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी हमेशा लोगों के सामने जाहिर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे हालत में लगा कि कुछ ऐसी प्रक्रिया चलाई जाए जिसमें बच्चों को आइडेंटिटी क्राइसिस वाला बात ना हो कि उसको बताना पड़े कि वो कहाँ रहते हैं। तो पुलिस से बहुत समय से बात चल रही थी, जिला प्रशासन से भी बात चल रही थी जगह को लेकर। अभी बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ एसपी साहब को और एएसपी साहब को दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इन्होंने इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे ये जगह जो खाली है यहाँ पे उन्होंने एक स्कूल का एक छोटा सा कैंप जैसा बना दिया और 11 से 1 बजे बच्चे आते हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा बच्चों को डर लगा, लेकिन अब बच्चे सहज हो गए हैं, मतलब अपने आप 11 बजे आ जाना। बाकी जगह पहली बार हमने देखा कि उनको बुलाना नहीं पड़ता है और घर के लोगों को वो खुद काउंसलिंग कर रहे हैं। वो जाते तो बताते कि आज पुलिस वाले अंकल ने ऐसे बताया, आज उन्होंने ऐसे समझाया। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। एक समय बच्चे भाग जाते थे पुलिस को देखकर, भाग जाते थे। आपको मैं बताऊं कि पुलिस का वर्दी देखते ही वो दिखाई नहीं, तो छू मंतर हो जाते थे। अभी तो हमको आके बताते हैं, दीदी वहाँ चौक पे जा रही थी सामान लेने तो पुलिस अंकल खड़े थे, उन्होंने बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने बोला पुलिस अंकल मेरा घर यहीं पे है। अच्छा, तुम्हारा घर इधर ही है? अच्छा ठीक है। फिर बच्चे भी पूछा आप क्या कर रहे हैं इधर? वो बोलते मेरा ड्यूटी है, तो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी ड्यूटी है। तो जो बच्चों का जो संवाद इस इलाके में, जो रेड लाइट एरिया में जो एक दूरियाँ है ना लोगों से, कि ये इलाके के बच्चे हैं कि नहीं है, अब कम से कम एटलीस्ट ये 25 बच्चे तो पुलिस को पता है ना कि ये इस इलाके के ये बच्चे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की छवि जो है आम इधर के बच्चों के लिए, मतलब सामने अच्छी साबित, बच्चों के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए, मतलब उस महिला के लिए। देखिए, अभी तक इस इलाके में अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं भी नहीं जितना पुलिस को जानती थी उतना इस इलाके में दादा नेता उनको पता होता था, लेकिन आज के डेट में अब हमारे इलाके के बच्चों को भी पता है कि पुलिस अंकल है और वो बात करेंगे, वर्दी देख के भागेंगे नहीं, एक इवन क्वेश्चंस करेंगे। अभी जब क्लास में वो आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो बच्चे सवाल पूछते। फर्स्ट दिन जब उनका क्वेश्चन था ये था कि आप भी क्या कखागा पढ़ के पुलिस बने हैं? और चूंकि मैं कखागा पढ़ लूँ तो क्या मुझे भी आपकी तरह वर्दी मिलेगा क्या? तो ये जो पहले कभी पूछने का मौका नहीं मिला बच्चों को, बच्चों को पता है कि पुलिस वाले आएंगे उठाएंगे या रात को पकड़ के ले जाएंगे या सवाल पूछेंगे, बाप दादा का नाम पूछेंगे। अब ऐसा कोई ही नहीं है, बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं कोई बात नहीं, आओ यहाँ से बनेगा। तो अब माँ बाप को भी तसल्ली है, बच्चा कहाँ बैठा है? तो चौकी पे बैठ के पढ़ रहा है, तो उनको ये टेंशन नहीं कि मेरा बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है। और अभी जितने सारे बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे हैं जो बिल्कुल दिन भर आवारा घूम रहे हैं और अभी वो पूरी तरह से टाइम दे रहे हैं, टाइम पे, मतलब समझिए कि 11 बजे सेंटर का समय है तो 9 बजे आ जाते हैं मेरे पास और वहाँ से वो ग्रुप बना के आते हैं यहाँ पे और फिर ग्रुप के साथ जाते हैं और वो पूरे सेशन का फीडबैक भी देते हैं मुझे, ऐसा नहीं। तो एक ये जो कोशिश जो जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने किया, ये मैं उनके लिए इसलिए कह रही हूँ कि छवि तो सुंदर हुई उनकी इस इलाके में, एक नई तरह की प्रक्रिया शुरू हो गई जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इधर के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह, हाँ मतलब बता है उनको कि जो स्कूल में जाते हैं और वहाँ पढ़ते नहीं। अभी पढ़ाई के मामले में मैंने देखा कि 1 से 8 क्लास तक के बच्चे यहाँ आ रहे हैं अभी, और अभी चूंकि हम लोग इवनिंग में करेंगे तो बच्चों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी पढ़ाई की जो लेवल है ना वो बिल्कुल जीरो है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन कराने वाला कोई नहीं, यहाँ पर उनको एक बड़ा अच्छा एक माहौल है, एक्टिविटी भी हो रहा है, गेम्स भी हो रहे हैं, बच्चों के साथ कैरम बोर्ड भी खेला जा रहा है। अभी एसएसपी सर ने
कैरम बोर्ड और लूडो ये सब बच्चों को दिया है। बच्चों को पुलिस के काम को भी दिखाया जा रहा है। जैसे अभी हम लोग संविधान दिवस में टाउन थाना विजिट करने गए थे, फर्स्ट टाइम इस इलाके से कभी भी कोई टाउन थाना गया है तो रेड के जरिए ही गया है, अरेस्ट होके ही गया है या अपने स्वार्थ के लिए ही गया है। पहली बार भारतीय इतिहास में मैं बोलूँगी कि पहली बार इस इलाके के बच्चों को टाउन थाना में ले जाके दिखाया गया कि कैसे कंप्लेन कैसे दर्ज होता है, FIR क्या होता है, ये सिस्टम कैसे काम करती है, ऑनलाइन कंप्लेन क्या होता है, ये लॉकअप क्या होता है। तो मतलब उस दिन जो बच्चों का डर था ना, और पुलिस के जितने भी लोग वहाँ पे थे टाउन थाना में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पता क्या इंट्रोडक्शन दिया बच्चों का। जब लोगों ने देखा कि भाई 15-20 बच्चे टाउन थाना में क्या कर रहे हैं, क्योंकि जनरली टाउन थाने में तो बच्चे पिकनिक मनाने तो जाएंगे नहीं, तो जब उन्होंने पूछा कि सर ये बच्चे कहाँ के हैं, तो बोले उन्होंने जब इंट्रोडक्शन दिया बच्चों का कि पुलिस पाठशाला के बच्चे, तो सच में बहुत गर्व महसूस हुआ कि एक पहचान जो बहुत सदियों से लोग उसको बदनाम और बेकार और नकारा साबित करते हैं, उसको एक सेकंड में हमारे जिला प्रशासन ने बदल दिया। अब कोई सवाल नहीं पूछा किसका बच्चा है, पुलिस पाठशाला का बच्चा है, कहानी यहीं पे दी एंड। अब पुलिस पाठशाला का बच्चा का नाम जुड़ते ही वो बच्चे का जो पहचान है वो स्ट्रांग हो गया, जो कि अभी तक जो बच्चा डर से दबा हुआ था वो निखर के सामने आ गया। देखिए तो हमारे साथ आरिफ है जो तमाम बच्चों जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाते हैं। कैसे जो है आप छोटे बच्चे रहते हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं? मैंने हमारे और भी साथी हैं जुड़ने के लिए, पर छोटे बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं जो SSP सर करवाते हैं या और हुआ है, वैसे हम लोग बच्चों को काउंसलिंग करते हैं और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, और मिनिमम ज़्यादा छोटे नहीं 10 ईयर्स के 10 साल के ऊपर से बच्चे रहते हैं, एकदम छोटे भी। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग तो अभी हम लोग स्कूल के कारण 11 से 1 किए हैं, पर जैसे ही स्कूल का वो हो जाता है तो फिर हम इवनिंग कर देंगे क्लास को। देख सकते हैं किस तरह से जो है तमाम जो लोग हैं, और यह जो है पुलिस चौकी है, सबसे बड़ी बात है कि यह पुलिस चौकी है, और ऐसे में वैसे गली जिसके नाम मतलब सुनते ही लोगों को जो है विचार गलत आते हैं, और वहाँ के बच्चों और नसीमा जी थी जो जिन्होंने यह विशेष पहल चलाया, जिसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा एक विशेष पहल चलाकर और पुलिस पाठशाला चलाया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर टाउन ASP अवधेश दीक्षित क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनिए। तो कनौली TUP के पास में चतुर्भुज स्थान पे जितने भी रेड लाइट एरिया के कुछ बच्चे हैं उनको हम लोग बुला करके, और स्कूल की टाइमिंग के बाद में क्लासेज उनकी चलाई जाती हैं। यहाँ पर वहीं की एक सोशल वर्कर है नसीमा खातून, वो उन्होंने इसकी पहल की और वो इसको लीड कर रही है। हम लोग का मेन काम रहता है कि हम लोग जा करके उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं और बीच बीच में जा करके क्लासेज लेते हैं, फिर उनको मोटिवेट उनको करते हैं। उनके लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुरिया स्कूल के सावन पांडे जी हैं, उन्होंने प्रोवाइड किया, और हम लोग की कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में भी मुजफ्फरपुर टाउन के जितने भी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनको हम लोग मोबिलाइज़ करें और बाकी सोशल वर्कर्स को मोबिलाइज़ करें, ताकि वहाँ पर एक अच्छी पहल हो सके और इसको हम लोग स्केल अप कर सकें। वो हमें लग रहा है कि काफ़ी हद तक चेंज हुई भी है, बच्चे बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेते हैं, और वो जब घर पे जाते हैं तो उनकी मदर्स या फिर उनकी फैमिली भी ये चीज़ बात करती हैं कि बेटा आज आपने पुलिस अंकल से क्या बात की, किस तरह से बात की, तो मेरे को लग रहा है पॉजिटिव वो है और आगे भी इसके जी। कैसा लगता है जब बच्चे यहाँ आकर पुलिस अंकल करके और उनको पढ़ा रहे हैं आपको? बच्चे में भरोसा जागा है, बच्चे का दृढ़ता आया है, ऐसे पुलिस लोग भय खाता था, वो भय बच्चे के पास नहीं रहा, किसी भी परिस्थिति में बच्चे पुलिस के भी मदद करने के लिए तैयार है। ऐसा देखा गया कभी मिलाए भी कि रात में भी बच्चा किसी के साथ मदद के लिए मेरे पास आया, बच्चों को भी धन्यवाद दिए, और उसका ये काम था, वो काम के लिए हम तत्पर थे। नाम नागेंद्र प्रसाद पद ये वाली। तो आपने सुना टाउन ASP अवधेश दीक्षित क्या कुछ कर रहे थे, उन्होंने बताया कि यह विशेष पहल जो है नसीमा जी द्वारा और मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा विशेष पहल चलाई जा रही है, जिसके बाद वैसे बच्चे जो कभी पुलिस को देखकर भाग जाया करते थे, आज वही बच्चे पुलिस वाले अंकल के पाठशाला में पढ़ने आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह पुलिस चौकी है, और यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से तमाम बच्चों के पढ़ाई के लिए जो है अक्षर और के ज्ञान के लिए सभी तरह से जो है यहाँ पे बैठने और
पढ़ने की व्यवस्था की गई है और इसका जो है अभी 25 से 30 बच्चे जो है यहाँ पढ़ाई भी करते हैं। खुद जो है पुलिस वाले अंकल अब पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को, अब पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्र और इन इलाके के बच्चों को पुलिस अब शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने में जुटी हुई है। तो इसी तरह के तमाम खबर देखते रहिए मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।